दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय टकसाल ऐप। टकसाल ऐप एप्पल प्ले स्टोर और क्रोम ब्राउजर पर अवेलेबल है। दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप इस ऐप को आसानी से लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप से आप काफ़ी अच्छा पेटीएम कैश अर्न करने वाले हैं। इस ऐप की मदद से आप 9 गुना अर्निंग कर सकते हो। जैसा कि अगर आप 10 रुपये लगाते हो तो आपको 90 रुपये की अर्निंग होगी। इसका मिनिमम विड्रॉवल 200 रुपया है। यह ऐप इंस्टेंट पेमेंट देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ASR टुडे। मैं हूं आकाश सिंह रावत आपके साथ। झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2020 का परिणाम जारी कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक अपना परिणाम नहीं देखा है तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट asrnews.in में विजिट करके अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि झारखंड बोर्ड इंटर परीक्षा 2020 का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी के पास 100% सही जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। जो भी सवाल आपके माइंड में उठता है आप हमें इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको हम तुरंत जवाब दे देंगे। आपको बता देना चाहते हैं, बिहार बोर्ड का मैट्रिक और इंटर परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। कुछ दिन पहले मैट्रिक का झारखंड बोर्ड ने रिजल्ट जारी किया है, तो अब सवाल इंटर के छात्रों के माइंड में ये उठ रहा होगा कि बिहार बोर्ड ने तो मैट्रिक और इंटर दोनों का रिजल्ट जारी कर दिया, तो आखिर झारखंड बोर्ड रिजल्ट हमारा कब जारी करेगी। तो मैट्रिक का रिजल्ट तो झारखंड बोर्ड जारी कर चुका है, अब रह गई सवाल कि आखिर इंटर का रिजल्ट कब जारी होगा, क्योंकि छात्रों के माइंड में लगातार ये सवाल उठते रहता है। दूसरी राय से अपने रिजल्ट को लेकर कंपेरिजन जब करते हैं तो उनको लगता है कि हमारा भी रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो जाना चाहिए। इंटर के परीक्षा के रिजल्ट की बात करें तो जो खबर हमारे पास आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट है वो आपका 20 से 25 तारीख के बीच में जारी कर दिया जा सकता है। ये पूरी संभावना है कि 20 से 25 तारीख तक के बीच में आपका जो रिजल्ट होगा वो जारी कर दिया जा सकता है। यानी कि 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में आपका कभी भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। जो हमारे पास खबर आ रही है उसके अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं, ये डेट जो हम आपको बता रहे हैं ये डेट संभावित है। हो सकता है 20 तारीख से पहले भी आपका रिजल्ट जारी हो जाए, लेकिन जो हमारे पास खबर आ रही है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका 20 से 25 जुलाई के बीच में जारी कर दिया जा सकता है। रिजल्ट देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट asrnews.in पे विजिट करके अपना रिजल्ट सबसे पहले चेक कर सकते हैं। उसका ऑफिशियल लिंक आपको अभी भी नीचे दिया गया है, जहां से क्लिक करके आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं जैसे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपका जो रिजल्ट का टेंटेटिव डेट है यानी कि संभावित डेट है वो आपका क्या रहने वाला है। तो रिजल्ट का डेट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 20 से 25 जुलाई के बीच में आपका पूरी संभावना है कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका जारी कर दिया जाएगा। वीडियो अगर आपको रियली पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपके लिए इसी प्रकार की खबरें लेकर के आए आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।